वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एचपी टेट 8 का जीके पोर्शन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जनरल अवेयरेंस में हिमाचल प्रदेश का भी इसमें जीके पूछा गया है और ऑल ओवर इंडिया एनवायरमेंट स्टडी से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द वर्षा पैक्ट एस्टैब्लिश, तो ये 1955 में हुई थी, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज एब्लॉइश डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री, का सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17 जो है वो जो छुआछूत का भेदभाव है उसको समाप्त करने से रिलेटेड अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 17 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर्ड, तो 19th सेंचुरी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 125th क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्रीडम फाइटर हैज़ बीन कॉल्ड पहाड़ी गांधी, तो ये तो हमें पता है हिमाचल के बाबा काशीराम जी को पहाड़ी गांधी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिंग इज फॉर पैराग्लाइडिंग, तो बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। डूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर विजिट हिमाचल प्रदेश, तो ये औरंगजेब के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विजिट किए थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज, तो ये लाहौल स्पीति में है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोंगटोंग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द मशरूम सिटी, तो सोलन को मशरूम सिटी कहा जाता है, यहाँ पे मशरूम बहुत ज्यादा होते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, डल और करेरी लेक जो है वो कांगड़ा में पड़ती है, चंद्रताल जो है लाहौल स्पीति में है, तो गढ़ूसरू जो है ये लेक जो है चंबा में। वेयर इज द वॉर म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश, तो ये धर्मशाला में है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हमीरपुर में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑन विच रिवर इज लार्जी पावर प्रोजेक्ट बिल्ड, तो ये ब्यास पे है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज द महावरिकुलम टेम्पल सिचुएटेड, तो तमिलनाडु में है ये टेम्पल, बी ऑप्शन इसका सही है। वाई हूँ वाज द हर्ष चरित्र रिटर्न, तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज डिफीट इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम, तो कौन डिफीट हुआ था, कौन हारा था, तो टीपू सुल्तान इस बैटल में हार गए थे, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट सपर, तो ये पेंट की थी लियोनार्डो द विची ने, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ ए ट्राइब ऑफ कश्मीर, तो बकरवाल जो है वो ट्राइबल ट्राइब है कश्मीर की। हड़प्पा स्क्रिप्ट इज रिटन, ये तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन कॉल्ड, तो इसे नमिस्मैटिक कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हेन वाज द पेरिस अकेडमी एस्टैब्लिशिंग फ्रांस, तो 1666 में एस्टैब्लिश की गई थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंट्रीब्यूट टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन ऑफ हम्पी, तो किन्होंने खोज की थी, तो ये कर्नल पॉलिंग मैकेंजी के द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी तीर्थकार्स वेर देयर इन द जैनिज्म, तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थकार्स हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया, तो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो 1853 में बनाई गई थी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच आर्टिकल एमरजेंसी वार डिक्लेयर्ड इन 1975, तो आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड, नीदरलैंड में है ये इंटरनेशनल कोर्ट, तो सी ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल, तो इस ये बिल जो है 52 अमेंडमेंट के अंडर आता है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर 52 अमेंडमेंट है। एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए जीके पार्ट के क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं, साइकोलॉजी का पार्ट भी आपको जल्द मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।